ओम साई राम, साई की चिट्ठी आपके नाम। बाबा कहते हैं कि जब कोई आपकी बुराई करता है तो आप दुखी होकर बैठ जाते हैं, फिर उस व्यक्ति से बात नहीं करते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो फिर देखता है कि आप मुंह बना के बैठे हुए हैं और उससे कन्नी काट रहे हैं, तो आप दुखी होकर यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, तो अगला व्यक्ति आपको सुख देने के लिए झूठ बोलने लगता है और फिर आप सुखी हो जाते हैं। यही बात है ना बच्चों। तो इसके लिए आप, मुझे जो लगता है कि आपने अपनी जीवन की जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की बात है, जो आजकल सभी लोगों में बहुत अच्छी ढंग से फैली हुई है कि आपके हाथ का रिमोट तो दूसरे के हाथ में है, ऐसा क्यों? अपने आप को साधारण और सिंपल सा आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों लोगों के हाथों में अपनी जीवन की जो उतार चढ़ाव की जो रेखा है वो आपने सौंप रखी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें हर क्षण आप एक जैसे रहें, तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी कहता रहे उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। आप जैसे थे, जिस हाल में थे, मेरे बच्चे थे, हो और रहोगे।